हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं हम ऑसम हॉवर इफेक्ट्स ऑन गैलरी। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जितनी भी हमने गैलरी में फोटोज ली है उन सब पे हमने अलग अलग हॉवर इफेक्ट लगाया हुआ है। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी जितनी भी हमने इमेजेस सेट की है उन सारी इमेजेस पे हमने अलग अलग हॉवर इफेक्ट्स को ऐड किया है। तो ये हॉवर इफेक्ट हम आज के इस वीडियो में लगाना सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओपन करते हैं हमारा टेक्स्ट एडिटर और इस फाइल को करते हैं सेव। इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है जी एनिमेशन के नेम से। तो इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को हम सेव करते हैं index.html के नेम से। इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं हमारा html का फॉर्मेट और इसमें दे देते हैं हम टाइटल एनिमेटेड हॉवर इफेक्ट ऑन गैलरी। इसके बाद हम एक फाइल और क्रिएट करते हैं। तो एक न्यू टैब ओपन करते हैं और इसके अंदर हम अपनी CSS की जो फाइल है उसको सेव कर देते हैं। तो इस फाइल को हम सेव करते हैं style.css के नेम से। अब ये जो आपकी style.css है इसको हम करते हैं हमारी HTML वाली फाइल में लिंक। तो लिंक करने के लिए लिंक टैग का यूज करते हैं और style.css। तो यहाँ पे हमने हमारी css वाली फाइल को लिंक कर लिया है। अब बॉडी टैग के अंदर हम क्रिएट करते हैं हमारा div और इसकी क्लास हम सेट कर देते हैं यहाँ पे क्लास सेट कर देते हैं हम कंटेनर। और कंटेनर के अंदर हम कोई भी एक बार मैसेज लिख देते हैं। अब करते हैं हमारे कंटेनर को स्टाइल। तो चलते हैं हमारी style.css में। सबसे पहला काम होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर को करना। तो मार्जिन 0 एंड पैडिंग सेट कर देते हैं 0। इसके बाद हम सेट कर देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इतना हमने कर लिया। इसके बाद हम स्टाइल करते हैं हमारा कंटेनर। तो जो क्लास है कंटेनर उसको करते हैं हम स्टाइल और इसके अंदर हम लगाते हैं सबसे पहले विड। तो विड यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 80% और हाइट इसके सेट कर देते हैं कंटेनर की 100 VH। और अब हम यहाँ ऐड कर देते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर यहाँ ऐड कर देते हैं 2 pixel सॉलिड ब्लैक। इसको करते हैं सेव और करते हैं ब्राउजर पे ओपन। तो कॉपी फाइल पाथ और ब्राउजर पे आके कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो कंटेनर है वो आ चुका है। अब इसको सेंटर में लेके आते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं मार्जिन ऑटो सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए कंटेनर आपका सेंटर में बिल्कुल आ चुका है। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्रिएट करते हैं हमारी हेडिंग। तो हमारी हेडिंग यहाँ पे हो जाएगी क्या हेडिंग देनी है जो हमने यहाँ पे दे रखी है। तो चलिए इसको कर लेते हैं कॉपी और आते हैं हमारे कोड एडिटर में और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको करते हैं सेव और ब्राउजर पे आके कर देते हैं रिफ्रेश। तो हमारी हेडिंग आ चुकी है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए कंटेनर में थोड़ी पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पैडिंग देते हैं टॉप और बॉटम से 50 pixel, लेफ्ट और राइट से 20 pixel। सेव करते हैं ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। इसके बाद में जो आपका कंटेनर में H1 है इसको भी कर देते हैं स्टाइल। तो यहाँ पे H1 की हम फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं 50 pixel। सेव एंड रिफ्रेश। तो इसकी फॉन्ट साइज बड़ी हो चुकी है। इसके बाद में हेडिंग के बाद में हम लेते हैं इसके अंदर फिगर टैग। तो एक फिगर टैग लेते हैं और फिगर टैग
में हम डालते हैं क्लास, और क्लास अभी इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे नहीं, और इस फिगर के अंदर हम लगाते हैं हमारी इमेज। तो जो आपकी इमेज है वो उसका नेम है यहाँ पे T1 और उसका टाइप है JPG। इसको करते हैं सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए आपकी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो आपकी इमेज है वो काफी चिपकी हुई है, तो H1 को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 20 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश, थोड़ा नीचे आ गई है। अब स्टाइल करते हैं आपके फिगर टैग को, तो फिगर टैग को स्टाइल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं। जो आपका फिगर टैग है उसकी हम विड्थ सेट कर देते हैं 200 पिक्सल और हाइट भी सेट कर देते हैं 200 पिक्सल। इसके बाद में इसके अंदर जो इमेज है, फिगर टैग के अंदर जो आपकी इमेज है उसको करते हैं स्टाइल। तो फिगर टैग के अंदर जो आपकी इमेज है उसकी विड्थ हो जाए 100% और हाइट हो जाए 100%। इसका मीन क्या है, जितना आपके फिगर की हाइट और विड्थ रहेगी उतनी ही आपकी इमेज की हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इमेज लगा दी है। इसके बाद में हम ऐड करेंगे इस पे कैप्शन। तो इमेज के बाद में हम क्रिएट करते हैं फिगर का कैप्शन। तो फिगर कैप्शन इसके अंदर हम दे देते हैं एनिमेशन 1, सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए एनिमेशन 1 लिखा हुआ आ रहा है लेकिन काफी छोटा है, तो इसको हम हेडिंग बना देते हैं। तो हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे इसको, फिगर कैप्शन नहीं, H2 हेडिंग दे देते हैं। तो H2 हेडिंग क्लोज और यहाँ पे H2 हेडिंग स्टार्ट। तो इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए एनिमेशन 1 इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेम इसको करेंगे कॉपी और उसके बाद में कर देते हैं पेस्ट। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो 2, इसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए 10 आपकी इमेजेस आ चुके हैं लेकिन ये वर्टिकली आ रही है। तो चलिए इसको करते हैं स्टाइल। अब लिखते हैं हम जो फिगर है इसको करते हैं डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपकी वो सेट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हमने ऊपर जहाँ पे कंटेनर के अंदर बॉर्डर लगाई है इसको रिमूव कर देते हैं। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए गैलरी आपकी बन चुकी है। इसके अंदर थोड़ा सा और हम ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, जो आपका फिगर है, ठीक है, जो आपका फिगर टैग है उसमें हम थोड़ा मार्जिन बॉटम ऐड कर देते हैं। तो मार्जिन बॉटम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसमें 20 पिक्सल और इसके साथ में हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट हम कब लिखते हैं, जब आपका कोड है वो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू ले रहा हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल इम्पोर्टेंट। अब जो हमारी इमेजेस हैं उनको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं T2 और एनिमेशन को कर देते हैं एनिमेशन सेकेंड। फिर यहाँ पे वापस है तो इसको कर देते हैं T4 एंड एनिमेशन थर्ड। इस तरीके से हम हमारी इमेजेस सेट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे इमेजेस चेंज कर लिए, साथ में उनका कैप्शन भी चेंज कर लिया है। इसके बाद में अब हमें इन पे लगाना है होवर इफेक्ट। तो होवर इफेक्ट लगाने के लिए हम चलते हैं गूगल में और टाइप करते हैं इमेज होवर .css। ये सर्च करते हैं, सर्च करने पे हमें जो फर्स्ट लिंक दिखाई देती है उस पर करते हैं क्लिक। तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे ये ओपन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल ये डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फोल्डर में जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसे जिप फाइल मिलेगी, तो इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। तो राइट क्लिक करके करते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। तो
एक्सट्रैक्ट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, सीएसएस वाले फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी इमेज ओवर, तो इसको करते हैं हम यहाँ से कॉपी और अपने फोल्डर में आने के बाद कर देते हैं पेस्ट। अब इसके बाद में चाहे आप इनको डिलीट कर सकते हो, हमें ओनली एक फाइल ही चाहिए, तो इमेज ओवर वाली फाइल हमने इसके अंदर रख ली है। अब इस फाइल को हमें क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिंक करना है। तो चलिए चलते हैं एडिटर में और करते हैं इस फाइल को लिंक। तो यहाँ पे हम कर देते हैं लिंक, तो क्रिएट करते हैं एक लिंक टैग। लिंक टैग में अब यहाँ पे हम करते हैं उस नेम को पेस्ट, फाइल का जो नेम था उसके बाद में लगाते हैं डॉट सी एस एस। अब करते हैं इसको सेव और ब्राउजर पे आके करते हैं अपनी फाइल को रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करते ही इसमें कोई इफेक्ट ऐड नहीं हुआ है, तो कैसे होगा देखिए। वापस चलते पे और इसमें लिखा हुआ है फ्री 44 इफेक्ट्स, तो इस पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने पे हमें 44 अमेजिंग इफेक्ट्स दिखाई देंगे। तो ये देखिए, जो भी इफेक्ट आपको पसंद हो यहाँ से आप क्या करोगे, नीचे उसकी जो क्लास है उसको करना है हमें कॉपी। तो इस क्लास को करते हैं यहाँ से कॉपी और आते हैं हमारे एडिटर में, जहाँ पे हमने फिगर लिखा था, फिगर जिसके हमने क्लास कुछ नहीं दी थी, उस जगह कर देना है इसको पेस्ट। अब इसको करते हैं सेव और अब आते हैं ब्राउजर पे और अपनी फाइल को करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए, इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ऐसे करके हम सारी इमेजेस पे इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। हमने सभी फिगर्स में क्लासेस कर दिया पेस्ट। अब करते हैं इसको रिफ्रेश, तो ये देखिए सभी पे एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से हम बिना ज़्यादा कोड लिखे सीएसएस का एनिमेशन या होवर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं हमारी इमेज गैलरी के ऊपर।